नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आप सभी को पता होगा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कितनी ज़्यादा परेशान हुई थी, और अब जब कोरोना वायरस की एक बार फिर से तीसरी लहर आने वाली है तो उसको लेकर लोगों के मन में डर देखने को मिल रहा है। तो लोगों का ये डर कितना जायज है, इसके साथ ही क्या लोगों को तीसरी लहर से डरना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। एक अध्ययन में कहा गया है कि अगर कोविड-19 की तीसरी लहर आती है तो उसके दूसरी लहर की तरह गंभीर होने की आशंका नहीं है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित गणितीय मॉडलिंग विश्लेषण पर आधारित इस अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि टीकाकरण के दायरे के विस्तार से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अध्ययन में ऐसे परिदृश्य की चर्चा की गई है जिसमें 40% आबादी ने दूसरी लहर के 3 महीनों के भीतर दोनों खुराकें ले ली हैं। इसमें कहा गया है कि टीकाकरण का प्रभाव संक्रमण की गंभीरता को 60% तक कम करने के लिए है। अध्ययन के अनुसार इससे यह दिखता है कि संभावित तीसरी लहर के दौरान टीकाकरण गंभीरता को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना गणितीय मॉडलिंग आधारित विश्लेषण के लेखकों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के संदीप मंडल, बलराम भार्गव और समीरन पांडा तथा इंपीरियल कॉलेज लंदन के निर्मलन अरिणपति शामिल हैं। और इनका कहना है कि जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है वो दूसरी लहर से कम खतरनाक होगी, यानी कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लोगों को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि कोरोना वायरस की पहली लहर और दूसरी लहर से हुआ है। तो आप सभी को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप सभी को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा, मास्क पहनना होगा और इसके साथ नियमों का पालन करना होगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।